हेलो फ्रेंड्स, क्या कभी हमने ये सोचा है कि सभी लोग एक साथ मेहनत करते हैं, सभी स्टूडेंट मेहनत करते हैं, लेकिन कोई स्टूडेंट सफल हो जाता है और कोई स्टूडेंट सफल नहीं हो पाता। कर्म अपना सभी लोग करते हैं, कर्म सभी लोग करते हैं, कर्म पढ़ाई करना सब लोग करते हैं, लेकिन उसी में किसी को सफलता मिलती है और किसी को सफलता नहीं मिलती। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? आखिर सफलता असफलता के बीच का कारण क्या है? कभी हमने एनालिसिस किया? कभी उसके बारे में जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ आपको, ठीक ना। होता क्या है कि हम अपना पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन किसी एक सब्जेक्ट पे, किसी एक भर्ती पे नहीं लगा पाते। जैसा कि जानते हैं, उत्तर प्रदेश है, भर्तियाँ लंबे समय तक चलती हैं, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, 7-7 साल, 8-8 साल चल जाती है, क्लियर नहीं होती है। तो जिस जो भर्ती होती है उसकी तैयारी करते हैं। तो जैसे टीचर की भर्ती है, टीचर की तैयारी कर लिए, पीएचडी की भर्ती, पीएचडी की तैयारी कर लिए, शिक्षक भर्ती है, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर लिए, टेट आया, टेट की तैयारी कर लिए, सुपर टेट आया, सुपर टेट की तैयारी कर लिए। अब इससे होता क्या कि किसी एक भर्ती पर हमारा पूरा ध्यान लग ही नहीं पाता, पूरा एफर्ट हम लगा ही नहीं पाते। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट कि हमें पता है कि 40 फीट अगर हम खुदाई करेंगे जमीन में तब हमको पानी मिलेगा, तब हमको जल मिलेगा, लेकिन हम किए क्या, हमने क्या किया कि एक जगह 20 फीट खोदा और दूसरी जगह क्या किया, 20 फीट खोदा। हमने टोटल काम कितना किया, 40 फीट। 40 फीट हमने काम किया, टोटल काम को करना कितना था, 40 फीट। काम भी हमने किया 40 फीट, बट हमको पानी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमारा काम क्या हुआ, बट गया। तो हम करते क्या है कि जो भर्ती उसकी तैयारी कर लेते हैं। शिक्षक भर्ती आई, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर लेते, पीएचडी आया, पीएचडी की तैयारी कर लेते, पीएचडी आया, पीएचडी की तैयारी कर लेते। इस तरह से हमारा जो फोकस होता है वो किसी एक भर्ती पर, किसी एक सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट नहीं हो पाता, और यही हमारी असफलता का क्या होता है, कारण होता है।